खौफनाक हवेली गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। एक रात तीन दोस्त राज, सिमरन और नितिन ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर चल पड़े। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। हवेली की दीवारें दरक रही थीं और खिड़कियों से हवा में सिसकारियां आ रही थीं। सिमरन ने डरते हुए कहा, क्या हम सच में अंदर जाएंगे? लेकिन राज ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। नितिन ने भी उसे समर्थन दिया और तीनों ने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। हवेली के दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से एक तस्वीर ने उनका ध्यान खींचा। ये एक सुंदर महिला की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। तभी एक तेज आवाज आई, यहां से निकल जाओ। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और डर से उनके चेहरे पेल हो गए। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन हवेली में हर कदम के साथ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। राज ने कहा, चलो देखते हैं, और वह सबसे पहले अंदर चला गया। सिमरन और नितिन भी उसके पीछे गए। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी और अलमारी के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। राज ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, कमरे की रोशनी फ्लिकर करने लगी और फिर अंधेरा छा गया। अचानक एक काली छाया कमरे में प्रकट हुई। वह छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ी। तुमने मेरे शांति को भंग किया है, उसने गरजते हुए कहा। राज, सिमरन और नितिन डर से कांपने लगे। हमें यहाँ से जाना होगा, नितिन चिल्लाया, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। छाया ने एक एक करके उन्हें घेर लिया। राज ने डरते डरते कहा, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। लेकिन छाया ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। तभी सिमरन ने एक पुराने चित्र की ओर इशारा किया। ये वही महिला है, उसने चिल्लाया। वह समझ गई कि छाया उसी महिला की आत्मा है। राज ने कहा, हमें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। वे सभी ने मिलकर जोर से कहा, हम तुम्हें याद करेंगे, हमें माफ करो। अचानक एक तेज आवाज आई, मुझे शांति चाहिए, और छाया ने धीरे धीरे गायब होना शुरू किया। दरवाजा फिर से खुल गया और उन्होंने भागने का प्रयास किया। बाहर आते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। वे गांव लौटे, लेकिन उनके दिलों में उस खौफनाक रात की छाप रह गई। आज भी गांव वाले उस हवेली के बारे में बात करते हैं, और जो लोग वहां जाने की सोचते हैं वे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। हवेली का खौफ आज भी जिंदा है।